आज मैं हूँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, एक हिडन जेम जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और जो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। मैं हूँ, मेरे साथ में 4 क्लाइंट्स हैं और हम सुबह लगभग 5 बजे निकले थे ताकि हम आज दोपहर की सफारी कर सकें। अभी हम अपनी जिप्सी में हैं और ये जो गेट दिख रहा है बस उसके पार है जंगल का असली गेम। अभी दोपहर का वक्त है और गाड़ी जैसे जैसे धीरे पार्क की साइड एंटर हो रही है, हम सबका ध्यान बस एक ही चीज़ के ऊपर है। हर पेड़ के पीछे, हर मोड़ पे हम सिर्फ एक ही चीज़ को ढूंढ रहे हैं। हवा में एंटिसिपेशन है, सब सोच रहे हैं कहाँ होगा ये टाइगर। हर साउंड, हर मोमेंट नोटिस कर रहे हैं। कभी किसी बर्ड की कॉल सुनाई दे रही है, कभी किसी डायरेक्शन में आंखें वैसे ही घूम रही हैं, मगर टाइगर का कुछ पता नहीं है। पेशेंस का गेम है ये, जंगल में सब कुछ अपने टाइम पे होता है। सो कल जो हम सफारी में गए थे वहाँ पे तो हमें लिटरली कुछ नहीं दिखा, सिर्फ आउल दिखा, वो भी लास्ट टाइम जब मैं पीलीभीत आया था तो जो आउल दिखा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा था कल के मुकाबले। तो कल का पूरा हमारा ड्राइव सेशन गया है, लेकिन अभी हमारे पास 3 सफारी और है। ये मॉर्निंग सफारी है जिसके लिए हम निकल रहे हैं, उसके बाद आफ्टरनून सफारी है, एंड देन उसके बाद कल सुबह की फिर सफारी है। पहली सफारी हमारी ड्राई रही थी, कोई टाइगर नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, अब हम वापस जंगल में घुस रहे हैं। सबका एक्साइटमेंट दोबारा से हाई है। सबसे पहले हमारे सामने एक डियर का ग्रुप दिखाई देता है, वो अपने वर्ल्ड में मस्त है, बस अपने काम में बिजी। थोड़ी दूर पे मॉन्कीज और लोंगूर्स भी पेड़ों पे घूम रहे हैं अपनी मस्ती में। लेकिन टाइगर का अभी तक कोई साइन नहीं। हर टर्न पर देख रहे हैं, हर साउंड पर फोकस कर रहे हैं, हर आती जाती जिप्सी से पूछ रहे हैं, लेकिन पूरे जंगल में टाइगर नाम पे बस एक सन्नाटा है, कहीं कोई टाइगर नहीं। ऐसा लगता है जैसे जंगल का बॉस कहीं छुप गया है। और कुछ ईगल्स भी हमें देखने को मिले, जैसे कि क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल और ग्रे हेडेड फिश ईगल। तीसरी सफारी में जाने से पहले हमें एक टिप मिली, एक टाइग्रेस मुंह पर है, और जैसे ही ये पता लगा हम लोग फटाफट अपने होटल से निकले और जंगल की तरफ बढ़ चले। जैसे ही हम आगे जा रहे थे हमने देखा कि बहुत सारी जिप्सीज लगी हुई थी, और हम समझ गए कि शायद इस ट्रिप का यही वो पल है जब हमें टाइग्रेस देखने को मिलेगी। जैसे ही उसको देखा, तो जैसे ही वो हमारी तरफ आ रही थी तो जिप्सी से रास्ता ब्लॉक हो रखा था, तो वो डीरूट हो गई, वो नीचे उतर गई, और लग रहा था कि वो वापस ऊपर नहीं आएगी। लेकिन एक आइडिया था एनिमल बिहेवियर का कि अभी उसका ट्रैक पूरा नहीं हुआ है तो वो घूम के वापस आएगी। इसलिए हमने आगे वाली जिप्सी से अपनी जिप्सी के बीच में काफ़ी गैप बना लिया ताकि वो हमारे सामने आ जाए।
और वही हुआ। ड्राइवर अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहा था कि ये काफ़ी रेयर मोमेंट है, स्पेशली तब जब पार्क बस अभी मानसून के बाद ओपन ही हुआ है। और मैं अपना कैमरा भी एडजस्ट कर रहा था और क्लाइंट्स को भी बता रहा था कि उनको अपना कैमरा कैसे एडजस्ट करना है, कौन सा एंगल परफेक्ट रहेगा। और वो रही सामने ब्राइट फीमेल, बिल्कुल सामने। ये मोमेंट बहुत अनफॉरगेटेबल रहने वाला है। टाइग्रेस को इतनी पास से देखना, उसके एक्सप्रेशंस को कैप्चर करना और पूरे जंगल में सिर्फ इसी चीज़ को फील करना। अगर ये आगे बढ़ाएं तो बढ़ा दिए, ना बढ़ाएं तो ठीक है। नहीं, उनको रुकना चाहिए। हाँ, जूम आउट करके फ्रेम बना लेना, बाद में क्रॉप हो जाएगा। ऑन है, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। वाह वाह वाह, सही है यार, आगे लेते तो सब भाग जाते आगे। उसके बाद सफारी में हमें और भी चीज़ें मिली, फिश आउल के हमें काफ़ी अच्छे क्लोजअप शॉट्स मिल गए, काफ़ी अच्छी वीडियो मिल गई। हम निकल रहे हैं अपनी फोर्थ और इस टूर की लास्ट सफारी के लिए और उम्मीद है कि दोबारा टाइग्रेस दिखेगी या फिर एक ब्राही मेल है, उसकी कल मॉर्निंग में भी साइटिंग हुई थी, उम्मीद है वो दिखेगा। आखिरी सफारी में जब हमने पहुंचे तो हमने जंगल में बड़े बड़े पगमार्क्स देखे, जिनको देख के हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई हो गया। हमें लगा कि बस टाइगर इसी रास्ते पर गया है, तो ड्राइवर और गाइड ने भी यही बात बोली। तो हमने जंगल के कोर तक जाके उसको ढूंढने की कोशिश करी, जंगल के अंदर घुसकर हमें लगा कि बस अब टाइगर मिलने ही वाला है, पर फिर कुछ नहीं मिला, क्योंकि कहा था ना ये एक पेशेंस का गेम है। आज जंगल का बॉस शायद फिर से छुप गया था। काफ़ी टाइम हो गया था तो क्लाइंट्स के कहने पर हमने अपना प्लान बदला और हम चूका बीच की ओर निकल गए। चूका बीच में बोटिंग भी होती है और सुविनय शॉप भी है। पहले हम सुविनय शॉप गए और जंगल को कुछ यादगार बनाने के लिए वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी। बाद में हम बोटिंग एरिया की साइड गए। बोटिंग अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन वहाँ पे पहुँच के हमने खामोशी में थोड़ा टाइम स्पेंड किया और जंगल की शांति को एंजॉय किया। इस ट्रिप से, पीलीभीत से इतना ही। अभी कुछ दिन बाद मेरे को दोबारा आना है, सो डेफिनेटली आई विल मेक वीडियो।
एंड आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। नाउ यू गेट टू सी द हार्ड वर्क जो इतना लग जाता है यहाँ पे आने में, सफारी करवाने में, क्लाइंट्स हैंडलिंग में, हर चीज़ में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली टाइगर सेटिंग ज़्यादा अच्छी लगी या जो मेरी पहले संजय डुबरी में थी जिसकी वीडियो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो वो वाली ज़्यादा अच्छी लगी। स्टे ट्यून्ड।